दिन है डोलोमाइट्स में और आज मैं जाने वाली हूँ द फेमस लागो दी ब्राइस। और सिंस आज मंडे है तो मेरे होस्ट को आज काम करना है, तो एंड प्लस उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें क्योंकि बहुत क्राउडेड है वो जगह। तो या तो आज मैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फिगर आउट करके जाऊँगी। तो जहाँ पे अभी मैं हूँ ये सेंट लोरेंजन है, यहाँ पे ये बस स्टॉप है और ट्रेन स्टेशन है, तो इधर से सब कुछ जाने को मिलता है। यहाँ से मुझे एक ट्रेन लेनी पड़ेगी और एक बस लेनी पड़ेगी लागो दी ब्राइस पहुँचने के लिए। थैंकफुली लागो दी ब्राइस में कोई ऐसा वो नहीं है कि मुझे बस प्रेसन एंड आती है, तो इन केस आप रात को लेट पहुँच रहे हो तो आप ये बस लेके इधर पहुँच सकते हो। आप बसेस देख सकते हो कौन सा बस नंबर जाएगा। ये बस स्टॉप है। दिस इज द सपोजिटली दिस प्लेस गोस दिस रोड गोस टू द स्टेशन। तो ये रहा स्टेशन। यहाँ से हर आधे घंटे टाइप्स में एक ट्रेन जाएगी, तो तब तक मैं टिकट ले लेती हूँ। कैसे कार्ड से, मेरे पास कार्ड तो नहीं है, तो मैं थिंक टिकट इधर से लेना पड़ेगा। हाउ दिस गोस। ओके नेशन, आप इधर जाओगे और फिर आपको कोड बताना है। कोड के लिए आप इधर आना, यहाँ पे ये रहा मेरा नीदर ऑफ 27। तो 27 यस, ठीक है ये आ गया। अब हाँ क्योंकि इतना तो कॉस्ट मुझे बसेस और उससे भी पड़ जाएगा, तो या देख सकते हो ऐसा मैंने उसमें डाला। ये मेरा टिकट आ गया वन डे का, तो ये पूरे दिन वैलिड रहेगा। अब यहाँ पे 1841 जैसे देख सकते हो 822 पे आएगी। यहाँ से आप पता लगा सकते हो कहाँ के लिए कितने बजे आएगी बस मतलब ट्रेन, और प्लेटफॉर्म तो एक ही है। सो या टिकट वैलिडेट करने के लिए इसको आपको अंदर डालना होता है, तो जैसे आप देख रहे हो इधर ऐसा ये दिखा रहा है, तो ये टिकट वैलिडेट हो गया। ये करने के बाद फिर आप उस पर जा सकते हो। वैलिडेट बिफोर ईच ट्रिप। सो हाँ ये है रीजनल ट्रेन यहाँ के। दिस इज नॉट द वन फॉर अस क्योंकि हमारा लियंस जाएगा, तो ये तो फ्रांसिस का कहीं जा रहा है और कहीं, तो नॉट दिस वन। ये स्टॉप है। वैसे मुझे बस देखना है कहाँ से मिलेगा,
ज़्यादा दूर से नहीं है, ऐसे 4-5 मिनट की वॉक है। तो जाओ स्टेशन हमारा, ये देख सकते हो स्टेशन, एंड दिस इज अ प्रिटी प्लेस। ये साइड पे दिखा रहा है कि बस इधर से जाता है, तो मैं इस साइड जाऊँगी। होपफुली अगर सही जगह जा रही हूँ। ब्यूटिफुल अब था, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो नाउ आई हैव नो आइडिया कहाँ से बस मिलेगी। नॉट श्योर, देखना पड़ेगा कहीं और जाके अब। और क्या, सो गेराद सो उंड आइने ग्रोसे प्लाट्स फिर कामियोन आउटोबूस ओके उंड दे 5 मिनट या ओके थैंक यू ग्रेसियस। तो वो अच्छी सी आंटी ने थोड़ा रास्ता बताया कि स्ट्रेट जाके 5 मिनट जाना है स्ट्रेट, वहाँ पे ऐसा गोल सा बहुत बड़ा सा कुछ आएगा और वहाँ से बस मिलेगा। लेट्स गो, होपफुली मिल जाए, वरना दोबारा किसी से पूछेंगे और क्या करेंगे, क्योंकि जो जहाँ पे मेन बस है वहाँ पे है बस स्टॉप, बट वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी। तो या दिस रिमाइंड्स मी सो मच ऑफ लिश्टेनस्टाइन एंड स्विट्जरलैंड, आई मीन डोलोमाइट्स वाला जो एरिया है, तो ये एक्चुअली ये माउंटेन्स थोड़ा सिमिलर्स हैं इन सब के। ऑस्ट्रिया से भी आप डोलोमाइट्स वाला साइड आओगे तो ऐसे ही थोड़ा फीलिंग आएगा, और स्विट्जरलैंड और लिश्टेनस्टाइन का जो ये वाला साइड है वो भी थोड़ा ऐसा फील देता है। तो यह इट्स वेरी ब्यूटिफुल, साइन दिख रहा है मुझे बट आई एम नॉट श्योर, लेट्स सी जाके पता चलेगा। बस का साइन, आई एम होपिंग इधर से ही जाता हो कोई तो बस, बाकी तो आएगा सब वेट करने पे पता चलेगा। बस हर एक घंटे से जाता है जितना भी मुझे मैप पे दिख रहा है, तो आपको उसके हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। यहाँ पे हम पहुँच गए हैं, यहाँ से लागोदीप राइस है, अनदर 15 मिनट्स ऑफ वॉक, तो लेट्स गो। ये हैं और मस्त व्यूज है, थैंकफुली थोड़ा वेदर भी क्लियर हो गया है, तो अब अंदर जाएंगे देखते हैं। आज मैं उल्टी साइड जा रही थी, ऑपोजिट साइड पे जाना है, तो भैया एक आगे का पार्किंग एरिया है, यहाँ पे 15 मिनट तक फ्री है, उसके बाद आपको पे करना है वैसा है। द लेक लुक्स गाइस, लेट्स होप कि आज भी वैसे ही दिख रहा हो, लेट्स होप, क्योंकि कल बहुत बारिश हुई थी, बट आई थिंक ब्लू दिख रहा है गुड। बट हमको थोड़ा सा ऊपर हाइक करना पड़ेगा अगर हमको थोड़ा अच्छा व्यू चाहिए, तो वो फिगर आउट करना है। थोड़ा थाईलैंड मुझे सब फील दे रहा है।
बोट रेंट कर सकते हो, एक घंटे का 35 यूरोज है। ये है लागू दी ब्रेस और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, तो मुझे किसी ने नोटिस नहीं किया, तो मैं तो सोचती हूँ जब तक कोई देख नहीं रहा है तब तक एक दो फोटो खींच लेती हूँ, के बाद तो भगा ही देंगे। तो क्यों हाइकिंग ट्रेल है, बोट हाउस, यहाँ से आप बोट ले सकते हो। वो ट्रैक करके उस साइड जाना है, तो पूरा उधर से जाना पड़ेगा, वो सामने दिख रहा है। इधर से आप क्रॉस कर सकते हो और आप दूसरे साइड पे पहुंचोगे। दिस इज सर्टेनली अ नाइस स्पॉट। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, बट मैं अपना खुद का पैक करके लेके आई थी, तो अब मैं यहाँ पे बैठ के खा रही हूँ क्योंकि चिल मारना है इधर। सो या सो आफ्टर चिलिंग देयर फॉर एन आवर रीडिंग अ बुक, मैं सोच रही आगे जाती हूँ व्यू पॉइंट देखने के लिए, और जितना भी मैं चक्कर मार सकती हूँ लेक का उतना मार के फिर लेट्स चेक आउट द अदर लेक इफ देयर इज टाइम। और सो दिस इज द हाइक अराउंड लागू दी ब्राइस बोट हाउस। इधर से सीधे जाके आता है व्यू पॉइंट। ये लागू दी ब्रेस देख के बहुत अच्छा लगा हो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था यहाँ पे स्पेंड करना टाइम। मैं यहाँ पे कुछ 5-6 घंटा रही हूँ, चिल मार रही थी, बुक पढ़ रही थी, सो दैट काइंड ऑफ थिंग। आपको बोटिंग करना, आप बोटिंग भी कर सकते हो, मैं खेली थी तो मैं सोचा तब मेहनत कौन करेगा बोटिंग करते हुए, तो या बट यस दैट्स इट। अभी 2:31 की बस, हर घंटे एक बस जाती है यहाँ से आपका जो स्टेशन है उसके पास, तो हाँ तो वो ले सकते हो आप, और वहाँ से फिर आप ब्रोनेक पहुँच जाओगे, तो वही 1.5 घंटा के राउंड टाइम अब लगा के चलो। तो यहीं पे इसलिए आज का शो हमारा समाप्त होता है। आई होप आपको मज़ा आया हो, और इसी बात पे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके चलो चाहो, बाय बाय।